नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन काल में पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव शास्त्रियों ने, जंतु शास्त्रियों ने उसका विभाजन किस प्रकार किया एवं किस प्रकार मानव के समान प्राणी का आविर्भाव हुआ एवं मनुष्य के आदि पूर्वज हमारे पूर्वज कौन थे, हम या मनुष्य किससे उत्पन्न हुआ है और इसके बाद उस काल में जो स्रोत प्राप्त हुए उन स्रोतों के आधार पर भारत में उन क्षेत्रों को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में बांटा था और इनमें पूर्व पाषाण काल की अगर अपन बात करें तो उसमें भारत के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, मध्य भारत में कौन कौन से क्षेत्र थे जहां से हमें उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के बारे में जीव शास्त्रियों ने जो अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, जो श्यामपट पर लिखी हुई हैं, उनका हम अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर जीव का आविर्भाव कब व कैसे हुआ इसके बारे में जीव शास्त्रियों ने जीव के विकास की अवस्थाओं को कई भागों में, इन चार भागों में विभाजित किया है, जिनमें पहला प्रजीव युग। इस जीव के बारे में जीव शास्त्रियों का मानना है कि जिसमें केवल अत्यंत सूक्ष्म जीव ही पैदा हुए थे। कौन से युग में? प्रजीव युग में अत्यंत सूक्ष्म जीव ही पैदा हुए थे। दूसरा है प्रारंभिक जीव। प्रारंभिक जीव से प्रोटोरोजोइक अवस्था भी कहते हैं। इस युग में लस लसी झिल्ली और काई के समान जीव और पौधे पैदा हुए थे। कौन से युग में? प्रारंभिक जीव युग में। तीसरा है प्राचीन जीव युग, पॉलियोजोइक एज। इस प्राचीन जीव युग में जलचर और अर्धथलचर पोलियोजोइक एज जो है, इसमें जलचर और अर्ध थलचर मतलब जल में विचरण करने वाले एवं अर्ध थलचर का मतलब है जो आधे धरातल पर भी रह सकते थे
और पानी में भी हैं, वो रह सकते थे। ऐसे प्राणी व पौधे प्राचीन जीव युग में उत्पन्न हुए थे। चौथा है नवजीव युग। इस नवजीव युग है, इसमें पक्षी और स्तनपायी जीवों का विकास हुआ था। जीवशास्त्री पृथ्वी पर जंतु और पौधों की उत्पत्ति के बारे में चार युग बताते हैं। पहला प्रजीव युग, और अपन ने देखा कि इसमें अत्यंत सूक्ष्म जीव पैदा हुए थे। दूसरा प्रारंभिक जीव युग, जिसमें लसलसी झिल्ली और काई के समान जीव और पौधे पैदा हुए। तीसरा प्राचीन जीव युग, इसमें जलचर जल में विचरण करने वाले एवं इसके साथ साथ जल और थल दोनों में ही विचरण करने वाले जीवों का आविर्भाव एवं हुआ था। इसके बाद चौथा युग है, जिसे नव जीव युग कहते हैं। इस युग में पक्षी और स्तनपायी जीवों का विकास एवं हुआ था। अब हम इसके बाद मानव सम प्राणी जो है, उन मानव सम प्राणी के आविर्भाव का अध्ययन वो करते हैं कि मानव के समान जीव पृथ्वी पर कब और कैसे पैदा हुआ था। जीवशास्त्री इसे किस प्रकार से विभाजित करते हुए दर्शाते हैं। तो समझिए कि नवयुग जो नवजीव युग था, अभी अपन ने जो पृथ्वी पर जीव का आविर्भाव हुआ उसमें अपन ने चौथा नवजीव युग पढ़ा था। इस युग को भी विद्वान दो भागों में बांटते हैं। नवजीव युग का पहला जो भाग था, युग था, उसे तृतीयक युग या टर्शियरी पीरियड, और जो दूसरा युग था उसे चतुर्थक युग अथवा क्वार्टनरी पीरियड के नाम से विभाजित किया था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि तृतीयक युग में मानव सम प्राणी होमोनीड का जन्म हुआ होगा। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि जो तृतीयक युग अर्थात नवजीव युग का पहला भाग तृतीयक युग या टर्शरी युग, और इस युग के अंदर होमोनीड मानव का जन्म हुआ होगा, और यह युग आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसके बाद चतुर्थक युग जो था उसमें मानव सम प्राणियों का आविर्भाव निश्चित रूप से हुआ या हो चुका था, और इन्हीं प्राणियों से मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन, का जन्म प्राचीन विद्वान बताते हैं।
और भूवैज्ञानिक विद्वान इस युग को चार बार भारी हिमपातों, जलवायु परिवर्तन और हिम की विस्तृत चादर जो उत्तरी ध्रुव से लेकर समस्त यूरोप तक फैल जाती और भारत में हिमालय के चरणों तक आ जाती, ऐसा शीत का भूवैज्ञानिकों की भाषा में इसे शीतकाल या हिमकाल कहते हैं। और दो हिमकाल जो थे उनके बीच का जो समय है उसे भूवैज्ञानिक हिम अंतर हिमकाल युग के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अर्थात इस तरह मानव की एवं उत्पत्ति के बारे में विद्वान अपने मत प्रतिपादित करते हैं। अब देखिए पूर्व पाषाण युग का मानव जीवन युगों के साथ गहरा संबंध था और उस समय मनुष्य को सब जगह पर बसने योग्य भूमि नहीं मिल सकती थी और न ही जलवायु उनके अनुकूल होती थी, क्योंकि उस समय में कोई भौतिक सुख सुविधाएं, नया विकास बिल्कुल भी नहीं था। मानव को कुछ भी करना नहीं आता था। अतः प्रारंभ में मानव सभ्यता का उदय उन्हीं प्रदेशों में हुआ था जहां उसके लिए जीवन यापन करना संभव था। अर्थात इस सृष्टि में प्रकृति ने उस मानव को उस स्थान पर ही भेजा था जहां वह उस जलवायु में अपना जीवन यापन कर सके। उस समय एशिया, अफ्रीका और यूरोप के सभी प्रदेशों के पूर्व पाषाणकालीन मानव की संस्कृति में आधारभूत एकता थी, मतलब ऐसी जलवायु संबंधी, वनस्पति संबंधी, भूभाग संबंधी उस समय का से काफी एकता है वो दिखती है। जलवायु में होने वाले परिवर्तनों ने आदि मानव को बहुत प्रभावित किया और इससे उस आदि मानव के शरीर संरचना अर्थात शरीर की बनावट, रहन सहन और मानसिक चिंतन, सोचने विचारने की दिशा में भी भारी बदलाव आया था और वह नर वानर परिवार के अन्य प्राणियों से पृथक होकर, नर वानर परिवार के अन्य जो प्राणी थे उनसे अलग होकर विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ था। ठीक है, वानर और मनुष्य में सबसे पहला भेद तब उत्पन्न हुआ होगा जब मनुष्य ने पैरों पर स्वतंत्र रूप से खड़ा होना और चलना सीख लिया, जबकि मानव इस तरह नहीं कर सकता था। जब मनुष्य खड़ा होने लगा, चलना सीखने लगा, तो इससे मनुष्य के हाथ मुक्त हो और उन हाथों का प्रयोग
वह अन्य काम में करने लगा था। पुरातत्वविद, भूवैज्ञानिक और जीवशास्त्री इन सभी ने मिलकर इस तरह मानव के विकास की कहानी को दर्शाया है। पृथ्वी पर जीव के आविर्भाव से लेकर पशु और मनुष्य में शारीरिक, मानसिक, रहन सहन संबंधी अंतर का विकास किसी एक दिन की उपज नहीं है, अपितु एक लंबे समय में इस प्रकार का डेवलपमेंट है वो हुआ था। इन तमाम तथ्यों के आधार पर इस विकासवाद की विचारधारा के आधार पर विद्वानों ने मनुष्य के आदि पूर्वज गोरिल्ला अथवा चिंपांजी से मिलता जुलता कोई एंथ्रोपायड ऐप मनुष्य का आदि पूर्वज माना है, परंतु यह आदि पूर्वज कौन सा प्राणी था इसके बारे में कोई विद्वान एकमत राय नहीं दे सकते हैं। अज्ञात प्राणी को मानव विकास की लुप्त कड़ी यानी जो लुप्त हो गया है उसे उन्होंने मिसिंग लिंक का नाम दिया और विद्वानों का मानना है कि जावा, चीन, यूरोप और अफ्रीका में प्राचीन मानव संप्राणियों की अनेक प्रस्तरित अस्थि अवशेष मिले हैं। अर्थात समझे, विद्वानों का मानना है जावा द्वीप, चीन, यूरोप और अफ्रीका में मानव संप्राणी मनुष्य के समान जो प्राणी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके अवशेष के रूप में उनकी अस्थियों के अवशेष जो मिले हैं और उन अस्थियों के अवशेष के आधार पर ऐसा माना जाता था कि ये अवशेष मनुष्य के आदि पूर्वज जो अभी वर्तमान में नहीं है एंथ्रोपाइड ऐप से मिलता जुलता माना जाता है। ऐसा विद्वानों के मन में माने पाए हैं। उस समय के मानव के बारे में जानकारी यूरोप, एशिया, अफ्रीका के लगभग सभी भागों में प्राचीन मानव द्वारा प्राचीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं और इन औजारों का विद्वानों ने अनुसंधान किया, प्रशिक्षण किया और इनका अनुमान लगाया कि प्रारंभ में मनुष्य की प्रगति बहुत धीमी थी और उसके औजारों और
जीवन प्रणाली में बहुत से परिवर्तन धीरे धीरे हुए थी, इसलिए जिसमें वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता रहा वह लंबा काल था और इस काल की समस्त सामग्री प्रमुखतया पाषाण से निर्मित थी और इसी कारण इस काल को पाषाण काल का नाम है वो दिया था। मनुष्य ने जो भी वस्तुएं बनाई वो सब पत्थर की बनाई थी, उनमें डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ था, इस कारण से इसका नाम इन्होंने पाषाण काल है वो दे दिया। अगले वीडियो में हम भारत में पूर्व पाषाण काल का अध्ययन है वो करेंगे। धन्यवाद।